हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा और लास्ट क्लास में हमने बात की थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लास्ट टॉपिक हमारा यही था और स्टार्टिंग से हमने बात की थी कि मोशन एंड रेस्ट आर द रिलेटिव टर्म, और उसके बाद हमने रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उसके ऊपर क्वेश्चन के बारे में बात कर चुके हैं हम। अब यदि कोई हमसे पूछता है कि बताइए आप रेस्ट में या मोशन में, फिर से वही वाली बात आती है। यदि वो कहता है कि आप रेस्ट में हो तो आपकी फिजिक्स ही खत्म हो गई। यदि आप कहते हो कि आप मोशन में हो तो अब आपके पास बात ये आएगी कि मोशन में जब आप हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यदि आप जाते हो तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो वो तो चीज हमारी क्लियर हो चुकी थी, लेकिन अब वो बात करता है कि बताइए जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप जा रहे हो तो बताइए कितना तेज चल के गए हो आप। क्या है, हाउ फास्ट ए बॉडी इज मूविंग, कितना तेज बॉडी चल रही है उसे क्या बोलेंगे हम। दिस इज टर्म एज अ स्पीड। तो स्पीड का मतलब क्या है, हाउ फास्ट ए बॉडी इज मूविंग और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन। पोजिशन किसी भी ऑब्जेक्ट की कितना तेज चेंज हो रही है, कितना टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है उसे क्या बोलते हैं हम, दैट इज अ स्पीड। तो स्पीड आपके पास क्या है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, आपको लास्ट क्लास में बताया था स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। बेटा डिस्टेंस किस में मेजर किया जाता है, किलोमीटर में, और टाइम आवर में, और मीटर पर सेकंड। तो जो ये है वो है इसकी एसआई यूनिट। यदि कोई एसआई यूनिट पूछता है तो मीटर पर सेकंड है, कभी भी आप किलोमीटर पर आवर में यूज नहीं करोगे। यदि कभी एवरेज स्पीड या स्पीड पूछी जाती है और सारा डेटा किलोमीटर और मीटर में दिया हुआ है या किलोमीटर और आवर में दिया हुआ है तो आप उसे चेंज करोगे डिवाइड करके, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आगे स्केलर क्वांटिटी, ये चीज हमारे पास वैसे आ गई है। यदि कभी आपको डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, टाइम को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ऐसा जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है बेटा। और यदि टाइम निकालना हो, डिस्टेंस टाइम उधर गया, स्पीड नीचे आ गई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये वाली चीज आपके पास आ गई है। ये टोटल तीनों चीजों को आप यूज कर सकते हो, कभी टाइम निकालने के लिए, कभी स्पीड निकालने के लिए, या फिर कभी डिस्टेंस निकालने के लिए। एक चीज और आपके पास इसमें यूज होती है, आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा है, थोड़ा सा रिविजन कर रहे हैं 5 मिनट फटाफट। आपने एक चीज ये पढ़ रखी है कि किलोमीटर पर आवर को इंटू मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो देखो क्या लिखोगे आप, 54 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को किसमें चेंज करना है बेटा, मीटर में। तो बताइए कितना होता है किलोमीटर में मीटर, 1000 मीटर आ गया बेटा। आवर को किसमें चेंज करना है, सेकंड में। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, फिर एक मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो ये सेकंड चीज आ गई। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 54 इंटू 10 अपॉन 36 आ रहा होगा, काटोगे तो कितना आएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। मतलब बेसिकली यदि मैं किसी भी टर्म को 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किलोमीटर पर आरो वाली क्वांटिटी मीटर पर सेकंड में चेंज हो सकती है। तो 54 इंटू 5/18, सॉरी यहाँ पे 18 आएगा, 5/18, तो काटोगे तो 3, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक और ले लोगे, 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो भाई क्या करोगे आप, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे 72 इंटू 5/18, काटोगे तो 4, 20 मीटर पर सेकंड। 108 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो क्या करोगे 108 इंटू 5/18, काटते हो तो 6, 30 मीटर पर सेकंड। इस टाइप से आपके पास स्पीड कभी निकालनी हो तो किलोमीटर मीटर पर सेकंड में निकालनी हो तो क्या करोगे, 5/18 से तुरंत डिवाइड कर देना, तो आपके पास मीटर पर सेकंड में क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है भाई। जैसे क्वेश्चन लिखिए, छोटा सा क्वेश्चन जो सिर्फ ये चीज दिखा रहा है कि इन फॉर्मूलों को यूज कैसे करेंगे।
उसके बाद हम आगे क्लास 11 के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ए बॉडी कवर्स 3 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड द स्पीड। तो भाई देखिए, स्पीड निकालना है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको? 3 किलोमीटर। टाइम क्या है? 2 आवर। क्या करोगे इसे? अब चेंज कीजिए। कैसे करोगे चेंज? 3 इंटू, बेटा कितने किलोमीटर है? 1000। और टाइम 2 इंटू 3600 सेकेंड्स। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 5। और इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा? ये 12। तो 5/12 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली आप इस टाइप से फॉर्मूले लगाकर चीजें निकाल सकते हो। जैसे आपसे कहा जाए, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद 72 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय एन ऑब्जेक्ट ले लो या बॉडी ले लो इन 45 मिनट। 45 मिनट के अंदर बताइए बेटा कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो बेटा डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला है। स्पीड बेटा किसमें है बताइए? स्पीड हमारी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो पहले गिवन ले लेते हैं, क्या है गिवन में? इस जो स्पीड है वो कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 × 5/18 काटोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया बेटा। और बताइए टाइम कितना है? 45 मिनट है बेटा। 45 मिनट मतलब 45 × बेटा इसे आवर में करना है या सेकेंड्स में? सेकेंड्स में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपके पास क्या आ गया? पूरा डेटा सेकेंड में आ गया है। 45 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्पीड बताइए कितनी आ गई बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड आ गई है। और टाइम कितना आ गया है? 45 × 60 सेकेंड। मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। वो भी किसमें आएगा डिस्टेंस? मीटर्स में आ जाएगा। तो बेसिकली ये वाली चीज हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। काफी बार आपको याद, काफी बार आपको निकालना पड़ेगा कि टाइम या स्पीड दे दी जाएगी, डिस्टेंस निकाली है, फिर स्पीड और टाइम दे दिया स्पीड एंड मतलब पहले वाले में क्या दे रखा था? डिस्टेंस या स्पीड दे दी गई है तो टाइम निकालना है, या फिर स्पीड या टाइम दे दिया गया है तो डिस्टेंस निकालना है। तो बेसिकली आपके पास 3 में से 2 चीजें दे दी जाएंगी और बाकी एक चीज आपको उसके अंदर निकालनी पड़ेगी। ठीक है भाई, आगे हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। बेटा बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो भाई हम उसे यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। इक्वल टाइम मतलब जैसे आपने यहां पे 10 सेकंड ले लिए, यहां पे भी 10 सेकंड ले लो, यहां पर भी 10 सेकंड ले लो, और डिस्टेंस यहां पर भी 10 सेकंड के अंदर कितना मानोगे? सपोज मान लेते हैं 50 मीटर, ये भी 50 मीटर और यहां पे भी 50 मीटर। तो देख रहे हो आप, जब आप ए से बी तक गए तब भी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, जब बी से सी जा रहे हो तब भी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, और जब सी से डी जा रहे हो तब भी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल किया है आपने। तो आप कह सकते हो कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में देखो 10 सेकंड में 50 मीटर, अगले 10 सेकंड में 50 मीटर, ये कब पॉसिबल है? जब आप कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहे हो तो, मतलब सेम स्पीड से जब ट्रेवल कर रहे हो, सेम स्पीड और कॉन्स्टेंट स्पीड से यदि आप चल रहे हो तो आप बोलोगे कि आप कैसे हो भाई? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, मतलब आपकी बॉडी की स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। यदि वो चेंज होगी तो भाई डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगी या फिर कम ट्रेवल करेगी। जैसे बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए ना आप,
यहां से लेके सपोज आपको एक जर्नी ट्रेवल करनी है दिल्ली से देहरादून तक, तो भाई यहां से यहां तक यदि आप एक घंटे की बात करें, एक घंटे में आपने ट्रेवल कितना करा है 50 किलोमीटर, मतलब आप कितने की स्पीड चल रहे थे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यदि अगले एक घंटे के अंदर आपने 60 किलोमीटर चल लिया तो क्या हो गया, उस टाइम में आप चल रहे थे 60 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब आपकी स्पीड कॉन्स्टेंट कहाँ रहेगी, और जब स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं रही तो आप उसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं कह पाओगे। बात समझ में आई नहीं आई? देखो यूनिफॉर्म मोशन में हाँ ये हो सकता है कि दो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं, उसके हम आगे बात करते हैं। तो जब कभी भी आपके पास यूनिफॉर्म मोशन की बात होगी तो ध्यान से सुनना, पूरे रास्ते पर स्पीड सेम रहती है तो कभी भी आपको स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना हो तो आप यूज करना डिस्टेंस अपॉन टाइम का। ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपके पास स्पीड चेंज नहीं हो रही होगी। ध्यान सुनना, ये कब यूज करोगे, जब स्पीड चेंज नहीं हो रही। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, धीरे धीरे आप आगे जाएंगे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते जाएंगे। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी यूज होगा जब स्पीड कॉन्स्टेंट होगी और स्पीड चेंज नहीं हो रही होगी तो। ठीक है भाई, तो इस वाले केस में डायरेक्ट आप स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगला जो फॉर्मूला आप पढ़ोगे वो हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। बेटा इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये स्टार्ट हुआ है। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे बेसिक्स ही पढ़ रहे थे, टर्म्स यूज कर रहे थे, लेकिन अब जो स्टार्ट हुआ है यहां से आपके पास थोड़े से इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। कुछ जो स्टेट लेवल के क्वेश्चन, स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पर एवरेज स्पीड से रिलेटेड भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। नीट वीट के अंदर भी एक दो बार आए हुए हैं तो वो भी वहां पे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, पर जेई के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं मिलेंगे। पहले के टाइम पे कई बार आ जाते थे पर अब तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे आप। ठीक है ना, तो एवरेज स्पीड वाली चीज आपको मिल जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये चीज कब यूज की जाती है आपको ये देखना पड़ेगा। पहली चीज ध्यान से सुनना, दो या दो से ज्यादा यूनिफॉर्म मोशन हो तो क्या बोल सकते हैं हम इसे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर यूनिफॉर्म मोशन। दो या दो से ज्यादा यदि यूनिफॉर्म मोशन है तो आप उसके केस में एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हो। ध्यान से सुनना और समझना, सपोज आप बेटा दिल्ली से पहले शिमला गए और शिमला जाने के बाद आपका मूड चेंज हो गया, फिर आप मनाली भी आगे चले गए। ठीक है, दिल्ली से लेके शिमला तक का सपोर्ट डिस्टेंस मान लीजिए 300 किलोमीटर। ठीक है, और आपको लगे यहां तक 6 आवर्स। बात समझ में आ गई? या फिर आप स्पीड देना चाहते हो तो स्पीड दे देते हैं। चलिए, तो यहां से यहां तक आप जा रहे थे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उससे आगे वाला भी हमारे पास सपोज मान लीजिए 200 किलोमीटर है, लेट कर रहे हैं, गूगल मत करने लग जाना, और यहां से आप गए हो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन आपने पूरे रास्ते भर ना दिल्ली से शिमला तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करा है। एक चीज और भाई, यूनिफॉर्म मोशन हाइपोथेटिकली तो ठीक है, लेकिन इंडिया जैसी जगह में बहुत रेयर आपको यूनिफॉर्म मोशन मिलता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आप समझ रहे हो, जब आप स्पीड चेंज नहीं कर रहे हो, मतलब आप जैसे चंडीगढ़ हाईवे पे पहुंच गए और आपके पास कोई महिंद्रा या फिर टेस्ला वेस्ला की कोई गाड़ी है, आपने ऑटो पायलट मोड पर डाला और आराम से मस्त सो गए, मतलब बैठ गए आराम से, सोना नहीं है, तो वहां पर आपकी जो पूरी गाड़ी है पूरे रास्ते पर क्या चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर से चलती रही, या 60 से या 70 से 80 से जो आपको पसंद था, पूरे रास्ते पर यदि वो 80 से ही चल रही है तो आप बोलोगे कि सर वो यूनिफॉर्म मोशन था। यदि आप अपने लोकल एरिया में गली रोड पे आप चलाना जा रहे हो तो जैसे ही आप स्कूटी की स्पीड बढ़ाते हो, बाइक की स्पीड बढ़ाते हो, तो जैसे थोड़ी सी स्पीड बढ़ी ब्रेकर आ गया, फिर आपको ब्रेक मारनी पड़ गई। पहले क्या हो रही थी, पहले आपकी स्पीड 0 थी, फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30 हुई, जैसे 30 तक पहुंचे आपने फिर से ब्रेक मार लिया, फिर उसके बाद वो 10, 12, 15 पे आ गई, फिर दोबारा से एक्सीलरेट करोगे, फिर 20, 25, 30, 35, 40 पहुंची, फिर आगे से आपको टर्न लेना था तो आपको स्पीड फिर से कम करनी पड़ गई। तो बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन आप नहीं ट्रेवल कर पाते प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, बहुत रेयर होता है। यदि हाईवे पर या फिर किसी ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पे खुला एरिया है, वहां पर आप कह सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, पर रेयरली पॉसिबल है ये। यहां से यहां तक क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहे हो,
और डिस्टेंस कितना था बेटा 30 किलोमीटर 300 किलोमीटर। शिमला से मनाली तक का जो आपके पास था वो है 200 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही है। बात समझ में आ गई आपके पास। अब ये दोनों क्या है, देखो यहां से यहां तक पूरा रास्ता कितनी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, यहां से यहां तक की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये भी एक यूनिफॉर्म मोशन है अपने आप में और ये भी यूनिफॉर्म, क्योंकि पूरे रास्ते पर तो क्या है कौन से स्पीड से जा रहा है, तो ये भी एक यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है। अब यदि मैं आपको दिल्ली पे मिला था उसके बाद में आपको मिला मनाली पे, मैंने आपसे पूछा बेटा बताइए आपकी पूरे रास्ते पर स्पीड क्या थी, कौन सी वाली बताओगे 50 या 40। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर 50 + 40/2 45 किलोमीटर पर आवर बता देंगे, पर वैसा ऐसा होता नहीं है। बेसिकली चीज क्या है ना, हमारा फॉर्मूला लगेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब इसमें तीन चीजें हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ ये वाली चीज रखी हो, वो आपको ये भी दे सकता है दिल्ली से लेके शिमला उसके बाद मनाली, वो आपको 300 किलोमीटर तो दे दे, लेकिन आपको वो अब इस वाले में फॉर्मूला कैसे लगाओगे। देखो आप टोटल डिस्टेंस तो कितना होगा 300 + 200 टोटल टाइम, यहां से यहां तक आपको टाइम नहीं पता है, तो ये हम देखते हैं अभी किस तरीके से। जैसे यहां से 5 आवर दे दे और यहां दे दे आपको 200 किलोमीटर का 7 आवर्स हो सकता है प्रैक्टिकली है, क्योंकि यहां से शिमला से मनाली के बीच में घुमाव ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लग सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो अब हम बात करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे यूज किया जाएगा। समझ में आएगा कब यूज करेंगे हम इसे, जब कभी भी दो यूनिफॉर्म मोशन आपस में मूव हो रहे हैं और दोनों मोशन का क्या कर रहा है आपने कॉम्बिनेशन कर दिया, 2 का 3 का 4 का, कोई से भी हो सकते हैं। तो इसके ऊपर देखते हैं पहली चीज क्या क्या चीज पॉसिबल हो सकती है। बड़ा ध्यान से सुनना, हो सकता है कि आपको डिस्टेंस और टाइम दे दे वो, यदि वो डिस्टेंस और टाइम देता है फिर तो हमारा बहुत बेकार और घटिया क्वेश्चन बन गया, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम का डिवाइड करने का आपके पास क्या आता है स्पीड आ जाती है, तो ये वो जनरली नहीं देता है, डिस्टेंस और स्पीड दे देगा। जैसे ये दे दी, इसमें एवरेज लगाने के लिए आपको क्या नहीं है टाइम नहीं पता, तो पहले आप टाइम निकालोगे उसके बाद वैल्यू पुट करोगे, या फिर आपको वो स्पीड और टाइम दे देगा। तो ये दोनों जो है वो तो इंपॉर्टेंट है, पहला वाला बेकार है टोटल डिस्टेंस। जैसे आपने बताते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं एक एक करके, केस नंबर 1 डालिए और हेडिंग लिखिए क्या है इसकी कहानी, ठीक है भाई। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस को समझ के, फिजिक्स है ये, मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है। तो भाई क्या है हमारे पास, पहला केस लेते हैं केस नंबर 1, बड़ा ही प्यारा केस है। अच्छा मैं आपको बता दूं, जो एस है या फिर डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं, ये एक्स वन है और ये क्या है बेटा एक्स टू, ठीक है। वैसे जनरली किताबों के अंदर उन्होंने क्या कर रखा है, इसको डिस्टेंस को एस माना हुआ है, ठीक है। आप यदि पढ़ते हो तो ये एस है एस वन और ये क्या है एस टू, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये एस वन और डिस्टेंस दूसरा वाला क्या है एस टू, ठीक है। यहां से यहां तक का टाइम लग गया है टी वन और यहां से यहां तक टाइम लगा है टी टू। बेटा जब कभी भी एक केस लिख रहे हो तो आप इमेजिन करना क्या सिचुएशन हो सकती है, बेटा डिस्टेंस दिया है और वही वाली चीज आ गई, दिल्ली से शिमला और शिमला से मनाली, डिस्टेंस दे रखा है तो यहां से यहां तक का 300, यहां से यहां तक का 200, टाइम दिया हुआ है यहां से 4 घंटे यहां से लेके 5 घंटे, तो टाइम भी दिया है और डिस्टेंस भी दिया है, एवरेज स्पीड बताइए बेटा। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बेटा टोटल डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस आपके पास है डिस्टेंस कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक का और बी से लेके सी तक का, टाइम ए से बी तक का टाइम कितना है और बी से सी तक का टाइम क्या है, तो टोटल टाइम हो गया। तो एस ए बी कितना है बेटा S1 + S2 T1 + T2, ये तो बहुत बेकार क्वेश्चन हो गया आपके पास, ठीक है ना, ये चीज आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। दूसरी चीज बात करते हैं केस नंबर 2, केस नंबर टू क्या बोल रहा है बेटा, आपको इसने दे दिया है ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, उसने डिस्टेंस दे दिया है और टाइम देकर दे दिया स्पीड, तो V1 और V2, बात समझ में आई नहीं आई, डिस्टेंस दे दिया है और क्या दे दिया बेटा स्पीड दे दिया। अब क्या करना है आपको, इसका यूज करना है और एवरेज स्पीड निकाल के देनी है, तो बताइए भाई एवरेज स्पीड क्या रहेगी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बताइए बेटा कितना होगा, पहले तो हमें डिस्टेंस चाहिए एस,
ए टू बी का, और डिस्टेंस एस बी से सी गए हैं, टाइम भी ए से बी तक का और टाइम भी बी से सी तक का, ये हमारे पास टोटल आ गया ये वाली चीज। इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। यहां तक बात समझ में आ गई भाई? तो आप बोलोगे सर ए से लेके बी तक का डिस्टेंस तो दिया हुआ है हमको, कितना है एस वन प्लस एस टू, क्या यहां से यहां तक का टाइम दिया हुआ है बेटा? टाइम नहीं पता हमको, टाइम नहीं पता है हमको, क्या करें? पहले काम करते हैं, हम साइड में लिखिए मोशन ए टू, बेटा ए से बी तक के मोशन के बारे में बात करते हैं। मुझे एक चीज बताना, जब मैंने आपसे कहा था, अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब कभी भी बॉडी कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही होती है तो वहां पे हम एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से यहां तक बताइए पूरे रास्ते पर स्पीड कितनी स्पीड से चल रही थी बॉडी, वी वन स्पीड से, तो मतलब कॉन्स्टेंट है ये ए से लेके बी तक, तो क्या लगा सकते हो आप लगा सकते हो टाइम का फॉर्मूला। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है बेटा? तो कहां से कहां तक टाइम निकालना है आपको, ए से लेके बी तक का, बेटा ए से लेके बी तक का डिस्टेंस बताइए सर, डिस्टेंस है एस वन, बेटा स्पीड बताइए वी वन, ये हमारी बात आ गई पहली चीज, बात समझ में नहीं आई। बेटा टाइम बी टू सी बताइए कितना टाइम लगेगा, सर टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बताइए बेटा कितना है एस टू, स्पीड कितनी है वी टू, ये हमारा हो गया टाइम। दूसरी क्वेश्चन, यदि आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो तो बेटा एवरेज स्पीड क्या रहेगी आपके पास, एस वन प्लस एस टू, टी ए भी बताइए बेटा, एस वन बाय वी वन और प्लस एस टू बाय वी टू, दिस इज द एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यहां पे आपके लिए पता है ट्विस्ट क्या रहा, ट्विस्ट हमारे पास ये रहा कि लेके ए से लेके बी तक का हमें टाइम नहीं दिया था, तो मैंने क्या बोला इसमें से दो चीजें ही दी जाएंगी, तो तीसरी चीज कैसे निकालोगे आप, इस वाले फॉर्मूले को यूज करके, हमेशा याद रखना इसे। इसका एक हम छोटा स्पेशल केस बना लेते हैं बेटा, स्पेशल केस क्या बनेगा आइए देखते हैं। पहली चीज, सपोज मान लीजिए, क्या मान लीजिए, सपोज मान लीजिए जो एस वन और एस टू क्या होता यदि सेम सेम होता, तो यदि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस भी कितना होता बेटा 300 किलोमीटर, और बी से लेके सी तक का भी डिस्टेंस कितना होता 300 किलोमीटर, तो क्या लगाते हैं आप लिख लेते सर S1 is equals to S2, कितना लिख सकते हैं इसे हम S लिख सकते हैं। बात समझ में आई नहीं आई, S1 is equals to S2 is equal to S, तो वैल्यू पुट कीजिए, एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी बेटा, S1 plus S2 की जगह S plus S upon S by V1 और S by V2, बेटा S कॉमन ले लीजिए, ऊपर कितना आ जाएगा 2S S upon 1 by V1 plus 1 by V2, बेटा एस से एस कट गया, 2 अपॉन एलसीएम ले लें इसका, वी वन वी टू वी वन प्लस वी टू, क्या बेटा नीचे से ऊपर चला जाएगा ये? आप बोलोगे जी सर, 2 वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। कब है ये फॉर्मूला बेटा, ध्यान से बताइए उसे, जब कभी भी आपके पास एस वन और एस टू क्या रहेगा इक्वल रहेंगे, तो एग्जाम्पल सोचिए किस किस केस में ये इक्वल हो सकते हैं। एग्जाम्पल पहले फटाफट एग्जाम्पल बताइए किस किस केस में ये इक्वल हो सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं क्या कर सकते हैं, जल्दी बताइए फटाफट सोचिए, फिर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन भी दूंगा आपको जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा पाओगे। ये भी केस टू ही है बेटा हमारा, केस टू का स्पेशल केस पढ़ाता हूं, जल्दी बताइए बेटा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज ऐसे मान लीजिए आप एक इंसान है, आप में से कोई मान लीजिए, सपोज एक मनोज करके बच्चा है, पता नहीं कौन है मनोज, हर बार एक मनोज ये कैरेक्टर याद आता है दिमाग में, तो मनोज जो है वो ए से लेके कहां तक जाता है बेटा बी तक, और ए को मान लेते हैं उसका घर और बी पॉइंट को मान लेते हैं उसका स्कूल, ठीक बेटा, घर से स्कूल तक बच्चा जा रहा है। जब वो घर से लेके स्कूल तक बच्चा गया, जी से लेके एस तक गया बच्चा, तो बेटा उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, हमें नहीं पता उसका स्कूल कितना दूर है, लेकिन वो घर से लेके जब स्कूल गया तो उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड थी, पूरे रास्ते भर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। बात समझ में आ गई। फिर वो स्कूल से आया है घर, उस जब उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई नहीं आई? पहले उसकी स्पीड कितनी बढ़ी, 20 किलोमीटर पर आवर, जब वापस आया तो कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमें निकालनी है उसकी एवरेज स्पीड। बेटा इंग्लिश समझ गए ना आप इस क्वेश्चन की? वो बोल सकता है कभी भी, जैसे मनोज घर से स्कूल नहीं घर से ऑफिस भी जा सकता था, मतलब आप घर से शिमला गए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और शिमला से घर आए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वही सेम चीज है। दोनों केस में क्या चीज दिख रही है आपको, क्या ऑब्जर्व हो रहा है इस क्वेश्चन को देखें तो? हमें ऑब्जर्व ये हो रहा है कि जितना डिस्टेंस उसने यहां से यहां जाने में ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस वहां से वापस आने में भी किया है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेटा टोटल डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है पहले भी, तो मान लेते हैं लेट डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड घर बी एक्स। घर से लेके स्कूल तक का और स्कूल से लेके घर तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, सेम। यदि वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए आ रहा है तो। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, तो x डिस्टेंस हो गया बेटा, टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास आ गया। तो क्या आया है एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस, x प्लस x टोटल टाइम, टाइम g घर से लेके स्कूल तक, फिर स्कूल से लेके घर तक, ये हमारा हमें निकालना है टाइम। टाइम बताइए जरा, फिर से वही चीज आ गई, मोशन घर टू स्कूल। बताना बेटा टाइम निकालना है ना, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा एक्स, स्पीड कितनी है 20, ये टाइम आ गया घर से लेके स्कूल तक का। बेटा स्कूल से लेके घर तक का टाइम बताइए, स्कूल से घर तक का डिस्टेंस बताइए एक्स, क्या स्पीड है 30, ये आ गया आपके पास टाइम स्कूल टू घर। वैल्यू पुट करते हैं कि भाई यहां पे हम एक्स प्लस एक्स 2x अपॉन एक्स अपॉन 20 प्लस एक्स अपॉन 30। बेटा क्या नीचे वाले में से x कॉमन ले सकते हैं, 2x x 1 by 20 प्लस 1 by 30, x x कट गया 2। बेटा एलसीएम लोगों तो कितना आएगा इसका 60, 3 प्लस 2 2 इंटू 60 अपॉन 5 काट दोगे तो कितना आएगा 12, 12 इंटू 2 24 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी रही 24 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली क्या चीज बात समझ में आपको, कभी भी किसी भी दो लोकेशन के बीच में आप ट्रेवल कर रहे हो, किसी भी दो लोकेशन के बीच में आप ट्रेवल कर रहे हो और आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर उसमें, सेम डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो आपको लेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इस क्वेश्चन को यदि आप पढ़ते इंग्लिश में तो आप कहते हैं यार इसमें तो ना तो टाइम दे रखा है ना ही डिस्टेंस दे रखा है, सिर्फ स्पीड दे रखी है, तो फिर तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो गया, ये तो होगा ही नहीं। वैसे हालांकि ऐसा ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन क्लास 9th में दिया हुआ था आपकी एनसीईआरटी के लास्ट में, उसमें अब्दुल था जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आ रहा था, नाम कुछ और होगा तो कमेंट करके बता देना। कमेंट से मुझे याद आया आप में से बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, नोट्स भी बना रहे होंगे पर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरीके सब्सक्राइब करो, पता नहीं आपको कैसे करना होता है जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है ना, ऐसा ना हो बार बार मुझे अपने स्टेटस पे इधर उधर से कहीं आपको ऐड के थ्रू मिले, डायरेक्ट आप बता दोगे जिससे कि आप रेगुलर। और एक चीज और, आप में से कुछ बच्चे क्लास 12th के अंदर होंगे और वो क्लास 11th की वीडियोस को भी देख रहे हैं, यदि आपने किसी ने देखा है तो आपका अगले साल नीट या जेई का एग्जाम भी होगा, तो डेली बेसिस में हम हर हफ्ते में लगभग 2-3 क्लासेस की वीडियो डालेंगे। तो ये मान लीजिए आप ट्यूशन ही पढ़ रहे हो 3 घंटे का, जब हमारी कम्युनिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो हम संडे या सैटरडे वाले दिन 1-2 घंटे की हम लाइव क्लासेस भी ले लिया करेंगे, जिससे कि आपका सिलेबस लाइव वाले में कवर हो पाए, आप बात भी कर पाओ, कुछ बोलना है तो आप बोल भी सकते हो या कमेंट कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने बात क्या करी कि टोटल डिस्टेंस जो था वो दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा था, क्या पता ऐसा हो कि तीन इक्वल हिस्से भी तो हो सकते हैं, ये ए है ये बी है ये सी है और ये डी है। तो ये इसने बोला है कि टोटल डिस्टेंस सपोज मान लीजिए एक्स, बेटा
अब लास्ट वाले क्वेश्चन को ना आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, एवरेज स्पीड वाले केस में क्या था, 2v1v2 / v1+, ये चीज आई थी ना, तो डिस्टेंस तो सेम था, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस सेम हो तो यूज कर सकते हैं, तो 2 × 20 × 30, 20 + 30 = 50, तो इसे काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 कट गया, और 20 से इसे काटोगे तो कितना आएगा, 4 × 8 = 24 किलोमीटर/आवर। मतलब आप उस क्वेश्चन को एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से कर सकते थे बड़े आराम से, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसे आप पहले लिख भी लीजिए, फिर आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। लिखिए भाई, ए बॉडी कवर्स वन थर्ड ऑफ इट जर्नी विद स्पीड यू एंड नेक्स्ट वन थर्ड जर्नी विद स्पीड वी एंड लास्ट वन थर्ड जर्नी विद स्पीड डब्ल्यू। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। तो पूरी जर्नी के अंदर उसने क्या बोला, फर्स्ट वन थर्ड जो है, फर्स्ट वन थर्ड बेटा हम क्या मान लेते हैं, लेट द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी के बीच में टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं इज एक्स किलोमीटर, एक्स का डिस्टेंस हो गया, तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, एक्स बाय थ्री। क्या बोला इसने, फर्स्ट वन थर्ड, फिर ये सेकंड वन थर्ड, और ये मतलब टोटल डिस्टेंस को उन्होंने 300 में बांट दिया है, पहले वाले की स्पीड है यू, दूसरे वाले की वी और तीसरे वाले की डब्ल्यू। ऐसे क्वेश्चन एज इट इज आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, नीट के अंदर भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है पुराने टाइम पे। तो क्या है बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, एवरेज स्पीड निकालनी है सर, इंपॉर्टेंट है ये, जो रिजल्ट आएगा उसे याद रख लेना, एवरेज स्पीड निकालनी है सर। तो बताइए एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बताइए बेटा, x/3 + x/3 + x/3, टोटल कितना हो गया, x हो गया। टोटल टाइम बताइए भाई, टाइम तो हमें पता ही नहीं है, टाइम a से b तक का भी नहीं पता, टाइम b से c तक का भी नहीं पता, और टाइम c से d तक का भी नहीं पता, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। पहले टाइम का फॉर्मूला याद है आपको, पहले मोशन कहां से लोगे, a टू b का। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा टाइम a टू b बताइए, डिस्टेंस कितना है a टू b बेटा, x बाय थ्री। बेटा a से b तक के लिए स्पीड क्या है, u, तो कितना आ जाएगा, x बाय थ्री यू। टाइम b टू c बताइए, x बाय थ्री v, और टाइम c टू d, डिस्टेंस कितना, x बाय थ्री अपॉन w, तो x अपॉन थ्री w आ गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो a से b तक का आपके पास आ गया x है, x बाय थ्री यू, वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, कितना आएगा, x बाय थ्री यू, x बाय थ्री वी और x बाय थ्री डब्ल्यू, ये टोटल आपके पास आ गया है कैलकुलेशन। बात समझ में आ गई, तो क्या करोगे आप इसमें, आप नीचे वाले से आपको दिख रहा होगा बच्चों x कॉमन आ रहा है, हाँ या ना, तो x कॉमन ले लीजिए, तो क्या ऊपर बच गया, x अपॉन नीचे से x कॉमन ले लिया है आपने, कितना बचा, 1/3 भी तो आ रहा है, 3 भी कॉमन ले लीजिए, 1/u, 1/v, 1/w, x से x कट गया, 3 ऊपर चला जाएगा, तो एवरेज स्पीड क्या आ गया, 3 अपॉन बेटा u v w का एलसीएम कितना आएगा बताइए, u v w ही आएगा। अब बेसिक एलसीएम की हम बात करते हैं, क्या करते थे, u को कितने से मल्टीप्लाई करें कि u v w आ जाए, u को कितने से करना है, तो v और w से, v को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाए, u और w से, w को कितने से मल्टीप्लाई करें, u और v से, इसे ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 3 uv w upon uv + vw + w into u। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है ये, और ये आपको करना है लर्न। तो दो तरीके से आपके पास हो गया, यदि आपको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया होता तो आपका फॉर्मूला आता 2v1v2 / v1+v2, और जब तीन में किया जा रहा है तो 3uvw upon uv + vw + w into u, ये आपके पास फॉर्मूले हो गए। अब हम आते हैं केस नंबर 3 पर, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे भाई इनके ऊपर थोड़े से मिक्स्ड, और एक आध दो अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे। फिर से भाई बात, आप में से यदि किसी ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
ठीक है भाई। चलिए हमारे पास केस नंबर थ्री क्या दिया हुआ है, केस नंबर थ्री है बेटा आपको दिया जाएगा अब ए बी सी, स्पीड दे दी गई है और टाइम दे दिया गया है, इस बार डिस्टेंस नहीं दिया है भाई, तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहने वाला है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेटा मैं आपको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ये जब कभी भी एग्जाम होगा और आपको फॉर्मूला लिखना होगा ना तो प्रॉपर लिखना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना, पेपर में टीचर मार्क्स ना काट ले उस चीज पे। तो टीडी और टीटी समझ में नहीं आ रहा ना आपको, तो टोटल डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस ए से बी तक का नहीं पता बेटा हमें, और डिस्टेंस बी से सी तक का भी नहीं पता, टाइम ए से बी तक का और टाइम बी से सी तक का तो ये तो पता है हमें, लेकिन डिस्टेंस नहीं पता, तो क्या करेंगे भाई हम, यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने आपको बताया क्या कर सकते हैं, हम वही वाला बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो लिखोगे मोशन ए टू बी, ए से लेके बी तक का आपको मोशन के स्टडी करते हैं, तो बताइए क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस आइए कहां से कहां तक का, ए से लेके बी तक का, स्पीड क्या होगी ए से लेके बी तक में बताइए, ए से लेके बी तक में स्पीड क्या है, v1 into t1, b से लेके c तक का बताइए v2 t2, वैल्यू पुट कर दीजिए कितना आ जाएगा, v2 t2 plus v1 t1 upon t1 plus t2। इसका भी हम स्पेशल केस बना सकते हैं क्या, यदि वो कभी कहता है कि हाफ टाइम के लिए आप ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हाफ टाइम के लिए कर रहे हो, तो हाफ टाइम का मतलब क्या है बेटा, या कहते इक्वल टाइम के लिए कर रहे हो, तो T1 किसके बराबर हो गया, T2 के बराबर हो गया, क्या मान सकते हैं हम इसे, T ले सकते हैं, तो क्या लोगे एवरेज स्पीड, V2 into T plus V1 into T upon T plus T, तो भाई T कॉमन ले लीजिए, V1 plus V2 बच जाएगा अपॉन 2T बच जाएगा, तो T से T काट देना बच्चों, V1 plus V2 by 2, दिस इज द एवरेज स्पीड वाली बात, बात समझ में आई नहीं है आप सभी को, तो बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है एवरेज स्पीड कभी भी आपको निकालनी हो तो आप किस तरीके से निकालोगे, और इसका आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको ये, लेकिन ये सुनो ये वाली जो चीजें कभी भी आप कर रहे हो ये किसी भी एंट्रेंस के लिए करनी है यूज, स्कूल में मत लगा देना, दो से तीन मार्क्स का टीचर क्वेश्चन देगा, आप उसमें एक सेकंड के अंदर आंसर निकाल दोगे, टीचर एक सेकंड में काट देगा, आधा मार्क्स मिल जाएगा, तो ये एक सेकंड वाला मत करना, आपने एक सेकंड में कर दिया, टीचर ने एक सेकंड में काट दिया, ये वाला काम मत करना, बेसिक तरीके से फॉलो करते हुए आना जिससे कि आपका आंसर सही आए, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं इसी के ऊपर करते हैं जिसमें हम डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं, लिखिए एक लिख लीजिए या फिर मैं बोर्ड पे ही क्वेश्चन टाइप करवा दूंगा, आप देखते रहना उसे, ठीक है। एक कार ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विद स्पीड ऑफ द 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पूरी जर्नी जो हुई थी उस पूरी जर्नी के फर्स्ट हाफ टाइम में आप कितनी स्पीड से आ रहे हो, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड सेकेंड हाफ टाइम विद स्पीड ऑफ द 60 किलोमीटर पर आवर, पहले कितनी है 50 और दूसरी कितनी है 60, तो अब आप देखिए क्या है, फर्स्ट हाफ टाइम सपोज मान लीजिए, सपोज जर्नी टेक्स टी टाइम ले रहा है, ठीक है बेटा, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसे क्या बोला है, फर्स्ट हाफ टाइम, बेटा जब टोटल डिस्टेंस टी टाइम में लिया गया है तो फर्स्ट हाफ टाइम का मतलब क्या है, ये टी बाय टू और ये भी कितना आ गया टी बाय टू, यहां से यहां तक कितने से आ रहे हैं बेटा, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगले वाले में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बात समझ में आई नहीं आई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बताइए बेटा, वो तो हमें पता ही नहीं है ना, तो हमें एस ए बी पता ना एस बी सी पता, टोटल टाइम टी ए बी प्लस टी बी सी, तो डिस्टेंस निकालने भाई, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, बताइए बेटा स्पीड कितनी है ए से लेके बी तक की, 50, टाइम टी बाय टू काट दें 25 टी आ रहा है बेटा,
एस बी सी बताइए, स्पीड इंटू टाइम बेटा स्पीड बताइए कितनी है 60, और टाइम बताइए कितना है टी बाय टू, काट दो कितना आ गया 30 टी आ गया एस बी टू सी। बेटा बताइए एस ई बी कितना है 25 टी प्लस 30 टी अपॉन टी ए बी और टी बी सी मतलब टोटल टाइम, तो यहां से यहां तक टोटल टाइम कितना है बेटा टी है, तो कितना आ जाएगा 55 टी अपॉन टी, काट दो कितना आ गया 55 किलोमीटर पर आवर। ये तो रहा स्कूल वाले बच्चों के लिए जो स्कूल के पेपर करना चाहते हैं सीबीएसई के लिए। लेकिन यदि आपसे कोई कहता कि बेटा हाफ टाइम मतलब क्या बोला मैंने, जब टाइम दोनों वाले क्या टाइम हो सेम सेम टाइम हो तो एवरेज स्पीड क्या आती है बेटा वी वन प्लस वी टू बाय टू, तो वी वन कितना था 50 और 60 बाय टू 110 बाय टू, काट दोगे तो 55 किलोमीटर बराबर आ गया। मतलब ये आप शॉर्टकट तरीके से इसे कर सकते थे, इतनी लड़ाई दंगे करने की आपको जरूरत नहीं थी। बात समझ में आई नहीं आई? अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस वाले में क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी नहीं है, एवरेज स्पीड आपको दी हुई है। तो चीज क्या हुई है हमारे पास, ए बी और सी, फर्स्ट 30 किलोमीटर जो आपके पास है वो जा रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। नेक्स्ट 30 किलोमीटर का हमें पता नहीं है कि वो कितने स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड हम मान लेते हैं सपोज v। इसने कहा है जो इसकी एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर, तो कह रहा है जो ओवरऑल जो एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड क्या बोल दिया भाई उन्होंने 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड हो गई है। तो बेटा क्या लगाएंगे हम इसके अंदर फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड का क्या है, एवरेज स्पीड कितनी है 40 इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बताइए बेटा 30 प्लस 30 टोटल टाइम, यहां से यहां तक का टाइम बताइए बेटा। टाइम कैसे निकालते थे याद होगा आपको, टाइम होता था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां से यहां तक का टाइम बताइए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 30 अपॉन 30। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आप कर चुके हो, होना चाहिए अब। यहां से यहां तक का टाइम बताइए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 30 अपॉन वी, इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ रहा है बेटा 40 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 30 60 अपॉन 1 प्लस 30 अपॉन वी। बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पे हम, तो 40 इंटू 1 प्लस 30 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 60। बेटा जीरो से जीरो कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 120 अपॉन वी इज इक्वल टू 6 आ रहा होगा, इसे वहां भेज दीजिए 120 अपॉन वी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, इसे वहां भेज दीजिए 120 बाय 2 इज इक्वल टू वी आ गया, काटोगे बेटा वी कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपके पास आ जाएगी। तो आपको यहां वाली जो स्पीड है वो कितनी रखनी पड़ेगी 60 किलोमीटर पर आवर रखनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी ओवरऑल स्पीड कितनी आ जाए, ओवरऑल स्पीड आ जाए 40 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? और वैसे भी आपका जो आंसर आना चाहिए था ना वो 40 से बड़ा ही आना चाहिए क्योंकि एवरेज निकाल रहे हो आप, तो दूसरी वाली स्पीड उससे ज्यादा रखनी ही पड़ेगी। तो जब बच्चों जैसे आपने ना मतलब डिस्टेंस तो हमारी स्केलर क्वांटिटी थी, उसी के जस्ट पैरेलल आपने क्या रख दिया डिस्प्लेसमेंट। कभी भी यदि आप डिस्टेंस बोल रहे हो 5 किलोमीटर तो वो उसके साथ डायरेक्शन नहीं होगी, यदि 5 किलोमीटर के साथ आप डायरेक्शन भी दे देते हो तो क्या बन जाता है वो डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपके पास हो गया 30 मैग्नीट्यूड किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड आपके पास हो गई एसआई यूनिट, और जो यूनिट होती है उसकी जो बताती है कि ये क्या क्वांटिटी है। यदि आप उसे डायरेक्शन दे देते हो तो वो स्पीड नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यदि हम बात की जाए तो वेलोसिटी बिल्कुल सेम चीज है स्पीड के साथ, पर प्रॉब्लम क्या है इसमें, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी रहती है, तो ये आपके पास बन जाता है वेलोसिटी। यदि कभी किसी को निकालनी है तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्टेंस नहीं लेता, क्या लेता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट वही रहेगी, किलोमीटर पर आवर हो सकता है क्वांटिटी में और आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, सेम तरीके से 5/18 से मल्टीप्लाई करके। वेलोसिटी जो आपके पास है वो आपके पास होती है भाई वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है,
कब? जब आप सेम पॉइंट जहां से आप चलते हो और वहीं से वापस आ जाओ तो डिस्टेंस आपका जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, और यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है. सो इट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव. नेगेटिव कैसे हो सकता है? यदि आप कभी इधर जा रहे होगे तो आप बोल सकते हो भाई 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इधर जा रहे हो तो बोल दोगे -30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड. तो हम समझ जाएंगे जो ये माइनस है ना, माइनस का मतलब जो हमने मानी थी डायरेक्शन उसके अपोजिट चल रहा है वो, बेसिकली वो चीज मान सकते हैं. और जीरो मैंने बताया आपको व्हेन इनिशियल एंड फाइनल, लिख लीजिए आप व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर सेम, तो इन द टोटल जर्नी वेलोसिटी इज, एवरेज वेलोसिटी इज जीरो. तो एवरेज वेलोसिटी की बात भी कर लेते हैं. एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो क्या रहता है बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. सेम चीज है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके बता देता हूं जिससे कि आप इसे भी निकालना सीख सकते हो. वहां डिस्टेंस है बिल्कुल सेम एज इट इज है, सिर्फ यहां पे डायरेक्शन होती है, स्पीड नेगेटिव का कोई सेंस नहीं होगा. यहां पर वेलोसिटी यदि वो बोलता है तो वो नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन अपोजिट. ये मान लीजिए सपोज आप ए से लेके जा रहे हो बी तक, ये पॉइंट ए है वो पॉइंट है बी, ए से लेके बी तक आप गए हो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है बेटा. फिर बी से आप दोबारा ए की तरफ आ गए हो, यहां पर आए हो आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो गए हो 40 से और आए हो 60 से, तो निकालिए फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है भाई. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताइए, डायरेक्ट भी यूज करके देख लेते हैं. एवरेज स्पीड बेटा यहां से यहां तक जाने का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहां से यहां पर आने का भी है. तो डिस्टेंस जब सेम होता है तो हम डिस्टेंस कौन सा लगाते थे जल्दी बताइए. या तो हम डायरेक्ट करें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं हम एक्स, वापस आने का भी एक्स, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बताइए. टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है एक्स, स्पीड कितनी जानेगी 40, फिर एक्स अपॉन 60 हो गया. तो 2x अपॉन x कॉमन ले लीजिए, 1/40 प्लस 1/60, x से x कट गया, 2 इंटू बेटा एलसीएम लेंगे तो 120 आ रहा होगा, 40 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाए 3 से और इसे 2 से, तो कितना आएगा 2 इंटू 120 अपॉन 5, काटोगे तो कितना आएगा बताइए बराबर, 5 से 2 और 4, 48 किलोमीटर पर आवर आ गया आपके पास. आपको मैं बताऊं कौन सा फॉर्मूला लग सकता था, वैसे आपको पता लग गया होगा 2v1v2y v1 plus v2, दोनों तरीके से आपके पास आंसर सेम ही आने वाला है. यदि एवरेज वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा यहां से यहां गया और वहां से वापस आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा जीरो. टोटल टाइम कुछ भी ले लो जो आपके पास ये आ रहा था, मतलब क्या है हमें टाइम से, टाइम है वैसे कितना आपके पास x अपॉन 40 और प्लस x अपॉन 60, मतलब कुछ है ही नहीं हमारे पास. तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में क्या हुई आपके पास जीरो, और इस वाले केस में जो एवरेज स्पीड है वो हमारे आई है 48 किलोमीटर पर आवर. तो इसी के साथ इस टॉपिक को करते हैं खत्म. नेक्स्ट वीडियो हमारे पास जो आएगी वो आएगी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, क्योंकि अब हमें आगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा. तो उसके स्टार्टिंग में बात करेंगे डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं, और बहुत सारे लोग आपको मतलब सिखाते हैं कि डिफरेंशिएशन में पावर आगे जाती है पावर कम होती है तो ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन जानेंगे. डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है. अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जिससे कि उन लोगों को भी इस चीज का लाभ हो पाए. मिलते हैं हम अगली क्लास में, धन्यवाद.